आई थिंक अभी तक तो मतलब कुछ गिफ्ट्स आए थे घर पर, कुछ फैंस ने भेजे हैं. सो आई ओपन देम एंड दे वर रियली रियली यू नो हार्ट टचिंग. आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड टू सी दिस बिकॉज इतना एफर्ट लगा था उन सारे गिफ्ट्स को बनाने में. आई एम श्योर मेरी सारी पिक्चर्स लेकर और हर चीज़ पे कुछ कुछ स्पेशली लिखा गया है. तो मैं कल वो पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप देखेंगे कि वाई इज़ इट सो स्पेशल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक नेहा हैज़ प्लान्ड दिस होल पार्टी, सो थैंक यू सो मच बेबी फॉर यू नो डूइंग दिस, बिकॉज मैं तो सच में नहीं प्रिपेयर था इसके लिए. मुझे लगा कि मैं शूट कर रहा हूँ, रिहर्सल्स भी चल रही हैं, सो आई थॉट कि इट वॉन्ट बी पॉसिबल यू नो इन टर्म्स ऑफ द टाइम, बट शी इज समहाउ स्क्वीज्ड एवरीथिंग इन रियली वेल. So I think that's what women are good at. They know how to get their way out. इतने दिनों में प्यारा गिफ्ट दिया है. हाँ आयान, I think आयान is the most beautiful gift that I can ever receive. And हम एक क्या एक दूसरे को गिफ्ट्स देते रहेंगे. आई थिंक वी कीप डूइंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स. हम दोनों के बीच में मैटर नहीं करते, और जो ये मेरे लिए करती है, मुझे झेल रही है, ये बहुत बड़ी बात है. वो कल मुझे पता चलेगा. उन्होंने कहा सरप्राइज है, तो कल जब मैं व्हेन आई विल बी एट होम स्पेंडिंग टाइम विद हिम, दैट्स व्हेन आई गेट टू. So I just want to thank all the fans. मैं सभी दर्शकों को और फैंस को यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बर्थडे विशेज एंड कीप प्रेइंग फॉर मी, फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर माई फैमिलीज गुड हेल्थ, एंड डेफिनेटली फॉर वर्ल्ड पीस. मैं हर साल चाहता हूँ कि मैं अपने बर्थडे के दिन शूट ज़रूर करूँ, तो इस साल भी लकीली आई एम डूइंग दैट. टुमारो आई बी शूटिंग फ्रॉम 2 o'clock ऑब्वियसली, बट मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आई एम ऑलवेज विथ माई फैमिली ड्यूरिंग माई बर्थडे, एंड आई एम वर्किंग, एंड आई थिंक दैट्स बिन हैपनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड आई कान थैंक यू मिना. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड टू अस, एंड जैसे ही बर्थडे पार्टी के बारे में पता चला, इट वॉज वेरी लास्ट मोमेंट, बट फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अर्जुन का बर्थडे है, सो वी हैव टू गो, बिकॉज अर्जुन हैज़ ऑलवेज बिन देयर. सो हम लोग ने बहुत पार्टी करी है, तो अर्जुन की पार्टीज तो हमेशा अच्छी ही होती है. सो एंड वी वर देयर लास्ट ईयर भी, हम अर्जुन के बर्थडे पे थे, सो ऑफकोर्स वी हैड टू नॉट ब्रेक द होल थिंग एंड बी देयर दिस टाइम ऑल्सो. अर्जुन मीन्स क्लोज फ्रेंड. हम लोग उसके घर पार्टी करते रहते हैं, हाउस पार्टीज होती रहती हैं, और वो बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही मस्ती कर रहा है, तो बहुत मस्ती आती है उसके साथ में बैठ के, हम लोग एंजॉय करते हैं. इट्स लाइक ही इज अ वेरी गुड कंपनी बेसिकली, एंड आई एम हैप्पी कि आज उसका बर्थडे, हम लोग पार्टी करेंगे सुबह तक. सो या आई विश हिम ऑल द लव, ऑल द लक एंड ऑल द हैप्पीनेस. बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा से रहा है, सो या ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ, सो आई वांट हिम टू डू द सेम. या सरप्राइज आप लोगों को कैसे बताऊंगी मैं, सरप्राइज है मतलब जनता जनता हो क्या था, फिर इतनी जनता है, जनता करके हमारे. चलो चलो चलो, क्या बोलना चाहती हैं आप, आपने क्या सरप्राइज प्लान किया है अर्जुन के बर्थडे? तो नहीं बता सकती, आपको बता दिया तो सब ऊपर तक पहुंच जाएगा. सॉरी, बहुत दिखी रहा है आपको, कितना मेकअप करके आए हो. ही इज़ माई फैमिली फॉर श्योर, बिकॉज नेहा, आयान, अर्जुन ये तीनों मेरे लिए, बिकॉज हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग बहुत क्लोज एक दूसरे से, हमारे पास एक दूसरे के अलावा शायद कोई है नहीं, तो आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने क्लोज है, लेकिन यहाँ वी आर फैमिली. आई हैव नॉट प्लान एनीथिंग फॉर अर्जुन बर्थडे, बट आई एम श्योर कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं. यू नो आप लोग जब बर्थडे पार्टीज में एक साथ मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है सबके साथ कैचअप करने में एंड ऑल ऑफ दैट. और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि आज अर्जुन बिजलानी का बर्थडे है. मैं उसको बिजली बुलाती हूँ, इज गोना किल मी राइट नाउ. तो अर्जुन बिजलानी का बर्थडे है, सो ऑफकोर्स इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ ह्यूमर, क्योंकि वो खुद एक ह्यूमरस लड़का है एंड उसका बेबी तो बहुत क्यूट है. आई होप उसका बेबी भी ऊपर हो. वेरी 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 अमेजिंग एंड सुपर हैप्पी बर्थडे, एंड मे हिज योर हेड, न्यू योर हेड बी सुपर फैंटास्टिक, एंड मे ऑल हिज विशेस कम ट्रू. मे ही बी ब्लेस्ड एज ऑलवेज, एंड मे ही बी ब्लेस्ड विद को-एक्टर्स लाइक अस. सो आई वांट टू विश हिम हैप्पी बर्थडे अर्जुन, एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ईयर. आई इसलिए हूँ क्योंकि अर्जुन का बर्थडे है और मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू have a good time with them. It's not been a really really long time ki main unse mili nahi hu, main unse kal hi mili hu, but you know how ladkiyan kaisi hoti hai, unse milna kabhi enough nahi hota, so I want to meet them more and more. Yes, I'm really excited for his birthday and wish him a very very happy birthday in the next 20 minutes. So what Arjun means to
अर्जुन ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ फन मेमोरीज टुगेदर. हमने पूरा ऑस्ट्रिया का स्केड्यूल साथ में किया है. ऑफ कोर्स हमने एक शो भी किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे बिकॉज आई थिंक ही इज अ जेम ऑफ अ गाय एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. धमाल तो बहुत होने वाला है. अर्जुन हिमसेल्फ इज अ वेरी जोवियल गाय. तो प्लानिंग तो हमने कुछ नहीं की. आई थिंक ऊपर बहुत सारी प्लानिंग नेहा ने की है. प्लानिंग उनकी वाइफ ने बहुत अच्छी की होगी. वी आर कॉन्फिडेंट एंड बस आई थिंक अर्जुन के लिए सरप्राइज है. दिस इज व्हाट वी नो. अर्जुन शुड जस्ट बी हैप्पी. अर्जुन वैसे ही जवान रहे जैसे वो है. लेफ्ट राइट राइट से अभी तक अर्जुन वैसे का वैसे ही है. सो आई फील अभी अगले 15 साल भी वो ऐसे का ऐसे ही रहे. उनका बर्थडे तो स्पेशली उनके लिए डे बहुत ही स्पेशल है. और जस्ट मैं यही विश करना चाहूँगा कि वो अपने लाइफ में ढेर सारी सक्सेस अचीव करें और गॉड उनकी हर स्टेप में हेल्प करें. मे गॉड ब्लेस हिम एंड मे गॉड आई होप कि उनकी सारी होप्स एंड यू नो ड्रीम डिज़ायर सब फुलफिल हो जाए. वेरी वेरी स्पेशल डे बिकॉज अर्जुन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और वो अभी से नहीं बहुत सालों से फ्रेंड है. सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स टुगेदर इन लाइफ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम एज अ ब्रदर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस. जो भी अब तक अर्जुन कर रहा है मैं चाहूँगा वो उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर करे. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम दैट कीप डूइंग द हार्ड वर्क दैट ही इज़ पुटिंग इन एंड ही इज़ लुकिंग रियली रियली गुड एंड आई वॉन्ट हिम टू लुक लाइक दिस फॉर एवर. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अर्जुन एंड May God bless you. May you have all the success and lots and lots and lots of love to you. Special. बहुत बहुत बड़ा gift लेकर आए हैं. So ये gift भी बाहर आने के लिए तरस रहा है. So हमको ऊपर जाना है और बस उसे wish करना है. थोड़ा सा late हो गए हैं.